1000 मेगावाट की करछम बांगतू परियोजना में मजदूर द्वारा आत्महत्या मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या से पहले मजदूर ने सुसाइड नोट भी लिखा है और कंपनी अधिकारियों को नामजद किया है। पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए। किन्नौर जिला के करछम और बांगतू के मध्य बनी 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में लगे एक मजदूर जो कारपेंटर का काम करता था, उसने अपने बैरक में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले मजदूर ने सुसाइड नोट में कंपनी अधिकारियों द्वारा लगातार जबरन बीआरएस लेने का दावा बनाने जाने की बात लिखी थी। इससे पहले भी परियोजना क्षेत्र में अन्य मजदूरों ने कंपनी द्वारा मजदूरों पर दाव बनाकर जबरन छटनी करने का आरोप लगाया था। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि जेएसडब्ल्यू में कार्यरत एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या का कारण मजदूर ने सुसाइड नोट भी लिखा था कि कंपनी के अधिकारी उस पर जबरन बीआरएस लेने का दबाव बना रहे हैं और इससे वे सदमे में है, इससे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस प्रशासन नकारात्मक रवैया अपना रहा है, इससे संदेह हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कंपनी के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजदूरों की छटनी का एक बहाना मिल गया है। इस तरह के हालात में छटनी को रोका जाना चाहिए, अन्यथा गरीबों का जो आर्थिक एवं सामाजिक जीवन है वह गड़बड़ा जाएगा। दुखद घटना यहाँ पर जेएसडब्ल्यू जो हमारा करछम बांगतू प्रोजेक्ट है उसमें एक मजदूर ने जो है आत्महत्या की है और आत्महत्या का कारण भी मजदूर ने जो है अपना सुसाइड नोट दिया है और सुसाइड नोट के मुताबिक उसको जो है जेएसडब्ल्यू के अधिकारी ज़बरदस्ती जो है उससे वीआरएस ले रहे थे और वो जो है वीआरएस पे नहीं जाना चाहता था और उसकी कई मजबूरी है, आर्थिक रूप से भी वो जो है काफ़ी उसमें दिक्कतों में था। या पुलिस विभाग जो है कार्रवाई जो ना नहीं करने से ये हमें एक डाउट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन भी जो है कंपनी के फेवर में काम कर रही है या कंपनी के अधिकारियों के फेवर में काम कर रही है, तो एक तुरंत जो है इन अधिकारियों को जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि जो साक्ष्य हैं वो जो है नष्ट ना हो या कोई प्रभावित ये जो है कंपनी के अधिकारी ना करे, इसलिए ये ज़रूरी है, कानूनन भी ज़रूरी है कि इनकी गिरफ्तारी तुरंत होना चाहिए।